तो मैं आज एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जिसको स्टेज पे खड़े होने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जब ज़्यादा लोगों के सामने कुछ बोलता था तो फंबल करने लगता था एंड हाथ पैर कांपने लगते थे स्टेज पे जाके। तो बात है 2014 की, आज से 8 साल पहले। तो उसके स्कूल में क्या होता था कि स्कूल 10th तक ही था, तो जो स्टूडेंट काउंसिल बनती थी वो 9th और 10th के बच्चों से बनती थी। जो जूनियर काउंसिल थी वो 9th क्लास और जो सीनियर काउंसिल थी वो 10th क्लास। एंड उस लड़कियों को लोगों की हेल्प करने में, लीडरशिप में एंड इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। अब उसके स्कूल में जब हेड गर्ल या हेड बॉय सेलेक्ट होता था तो पूरा एक प्रोसेस होता था, कॉम्पिटिशन होते थे, अलग अलग राउंड्स होते थे, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस, एक्सटेम्पोर एंड ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसकी अच्छी भी चली गई थी। उसको स्टेज पे बोलने का ना पहले कोई एक्सपीरियंस था और ना कॉन्फिडेंस। अब एक्सटेम्पोर क्या होता है कि तुम्हें कोई एक टॉपिक दिया जाता है, तुम्हें उस टॉपिक के बारे में 1 मिनट तक कुछ बोलना होता है। तो ये एक पार्ट था उस कॉम्पिटिशन का। अब ऐसा नहीं था कि कुछ 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 15 लोगों के सामने बोलना है, वो बोलना भी था पूरी असेंबली के सामने, पूरे तुम्हारे 500-600 लोगों के सामने बोलना था। तो सो वर्कआउट डन, इट्स 9:55 अराउंड। 15-20 मिनट में रेडियो के ऑफिस से लेके आज व्लॉग क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेशल डे है सो बताता हूँ आगे। अभी सर्विस चलते लेट हो जाएंगे। अब वो स्टेज पे गया, उसने स्टेज पे बोलना शुरू किया, उसके हाथ में माइक था। अब उसके हाथ कांपने लगे, उसके पैर कांपने लगे एंड हाथ में जो माइक था वो हिलने लगा। अब वैसे तो 60 सेकंड ज़्यादा नहीं होते, बट जब तुम ऐसा कुछ कर रहे होते हो तो वो हर एक सेकेंड तुम्हें इतना ज़्यादा लंबा लगता है ना, क्या बताऊँ। अब उस लड़के ने वो 1 मिनट जैसे तैसे निकाल दिए, बट स्टेज फेयर कम होने की जगह वो स्टेज फेयर और ज़्यादा बढ़ गया। अब ये सब करने का उसको हेड बॉय तो नहीं बनाया, लेकिन वो आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था तो उसको आर्ट सेक्रेटरी बना दिया, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस वगैरह जीते थे एंड स्कूल को काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया था। बट जो उसको हेड बॉय बनने का सपना था वो सपना ही रह गया। अब सारी स्टोरी ख़त्म कर दिया तो आ जाते हैं प्रेजेंट डे पे। अब ये ब्लॉग, ये वीडियो, ये चीज़ें क्यों बन रही हैं? तो रिसेंटली क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटिंग टीम ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 750-800 पीपल। अब इंटर्न्स आए थे, इंटर्न सीजन चल रहा है, तुम्हें पता होगा 2 मंथ इंटर्न आते हैं, 6 मंथ इंटर्न्स भी काम कर रहे होते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटिंग टीम ने मेरे को बोला कि एक पर्सनल ब्रांडिंग सेशन, एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग सेशन लेना है, तो विल यू बी अप फॉर इट। अब डर तो कह रहा था कि यार 750 लोग, इतने ज़्यादा लोगों के सामने बोलना तो शायद ना हो पाए, बट दिल कह रहा था अब इतना टाइम तूने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। आज ब्लॉग क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आज एक सेशन है ऑन पर्सनल ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड द यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग टीम लाइक गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। सो जितने भी इस टाइम इंटर्न्स हैं, देयर आर 90 इंटर्न्स, सो उनके साथ एक सेशन करना है। आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दैट, आई जस्ट वांटेड टू व्लॉग दैट कि बाद में आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स देखूँ तो अच्छा लगे। सो दैट्स व्हाई आई एम व्लॉगिंग। अभी मेरे को काफ़ी सारे काम करने हैं, सो पहले वो करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तुम्हें दिखाएंगे क्या सीन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजास, कोडिंग निंजास इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे हर तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSA, C++, जावा, पाइथन एंड जिनके टीचर्स हैं वो स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने Amazon, Facebook जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है एंड जो कोर्स स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड जब हम कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है यार, हमें डाउट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो डाउट्स के लिए इनके जैसे C++ DSA वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस हैं। तुम्हें जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर तुमसे नहीं हो रहे तुम हिंट वीडियोस देख सकते हो। अगर बाय चांस फिर भी नहीं होता है तो TA सपोर्ट तो है ही, तुम्हारे 3 से 4 घंटे के अंदर सारे डाउट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं। 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। We have a very famous person on the call, and I'm going to not eat into any me of the time. I'll hand it over to you, Nishant, but it's been lovely talking to all of you. I will have to log off now, but you're in good hands, and it's going to be super interesting for the next few minutes. Nishant and the rest of you, have fun. Thank you, Sharon. Thank you so much. So, hi guys, I'm Nishant Chahar. If you don't know me, I am currently working as a software engineer at Microsoft, and I'm currently in Hyderabad. So I started my YouTube journey last year in 2020 after I got placed, and Microsoft was not my first company. Why I started my YouTube channel. So I was free during pandemic, honestly. I had nothing to do after I got placed, and I always wanted to try out YouTube. I always liked all those free stuff that brands used to send to big YouTubers, their phones and everything. So I just wanted to try out YouTube, and I saw a gap and saw that I can make some content which is related to my field and that might help people. And I started a podcast with my college seniors who were placed at multiple companies, and I did that for around 4 or 5 months, and that started picking up. And that's how I started YouTube. The major thing I focus on is consistency, smart work and time management, because making content on 3 platforms, that too consistently, is not that easy with your full-time job. If you have that personal connect, if you have that personal touch to your story, then people will start relating to you, and that relatability is the most important part while creating content. Do I call you Nishant, or can I call you Nishant later? You can call me Nishant. Okay. So Nishant, there's this one thing I had in my mind that although we're in the same field, and then there is this one imposter syndrome that I sometimes have about myself, that what if whatever I know is not enough for the people? I don't want to guide them in the wrong direction. So how do I ensure that that is not something that I am doing? Amazing question. So this also happens with me a lot of time, because you don't know everything, and you don't have idea of all the things, right? So what I do is I try to get to that person who has experiences in that particular field. Like if I want to talk about data engineering, if I want to talk about resume building or anything else, I'll just reach out to the person who is a subject matter expert in that field. So I've been following your channel from quite a since. So I really like your content, and recently I've been following your Code in 10 as well, channel as well. So yeah, basically what I was asking is are you in the campus? Yes, I'm in the campus. I'm currently on the 4th floor. 4th floor of building 3, right? Yeah. Okay. So, is there a possibility that we could meet today? Definitely, definitely. Guys, it's very difficult to do public speaking. Whatever they do, hats off to them. It takes a lot from you. And who joined it, thank you so much for joining in. There were around 700+ people on the Teams call, and I have never spoken to this number of people till now. So yeah, thank you so much. अब चलते हैं अपना काम करते हैं. So यही इसी बारे में पूरी वीडियो है, and तुमने देख लिया होगा कि सेशन काफ़ी अच्छा गया, and finally जो वो डर था वो डर निकल गया है, and I was able to speak in front of 750+ people. 750 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं. From not being able to hold a mic to giving a personal branding session to so many people is really an achievement. तो अपना पूरा दिन तो normally गया, उठ के अपना जिम वगैरह जाना, जिम वगैरह जाके वापस आना, आके ऑफिस जाना, एंड ऑफिस आके काम वगैरह करना, लंच करना. 4 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया. जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी डे इन अ लाइफ, वही डे इन अ लाइफ रिपीट हो रही थी, बट 4 बजे के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी. उसके बाद आई मेट सम इंटर्न्स जो ऑन कैंपस थे उस टाइम पे, and I talked to them and काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, and they were कि भैया thank you so much for giving resources, for motivating us, for so many things. And वो जो अंदर खुशी होती है ना वो चीज़ सुन के मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा होती है. आज वापस घर आके कुछ खास किया नहीं, आज काफ़ी ज़्यादा थका सा हुआ था, बस लेटा रहा. अभी 8:30 के आसपास हो चुके हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इंटर्न सेशन करके, एंड ऐसे ही मेरे को और कॉलेजेस वगैरह में भी सेशन करना स्टार्ट करना है. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में. अब इससे बस एक चीज़ सीखनी है कि सपने देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बस इतना ही था आज वाली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, एंड दैट डे वॉज रियली अमेजिंग. मेरे लिए काफ़ी एक डिफरेंट था, क्योंकि मैंने आज तक कहीं पे भी कोई सेशन नहीं दिया था, कहीं पे भी मैंने कोई सेमिनार नहीं लिया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज टेकिंग इट एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम. Thank you so much, Microsoft, for giving me this opportunity. So thank you all for all the love and support you have been showing. ऐसे ही आगे grow करते रहेंगे, ऐसे ही अपने पास जितनी learning है, जितनी knowledge है, तुम्हारे साथ share करते रहेंगे. अब मिलते हैं next वाली video में, तब तक के लिए.